कानपुर के चौबेपुर इलाके में भावपुर के रहने वाले 29 साल के करण कुमार यादव ने 2013 में आर्मी में बतौर चालक पद पर ज्वाइन किया था और मौजूदा समय में वो जम्मू कश्मीर के राजौरी में तैनात थे। यहां आतंकियों से हुई मुठभेड़ में करण कुमार के शहीद होने की खबर मिलते ही गांव में मातम पसर गया। करण कुमार के पिता गांव में खेती किसानी का काम करते हैं। बेटे के शहीद होने की खबर सुनते ही पिता की आंखें भर आईं। मैं करण के दो भाई थे करण और तीन बहने थी। एक बहन की शादी हो गई थी, दो की शादी कर रहा है, मतलब जो है मई जून तक शादी निपटा दी जाएगी दोनों की एक साथ। अभी छोटा बेटा है, अब आगे क्या सेना में आप उसको भी भेजना चाहेंगे? अगर चाहेंगे तो मतलब सरकार अगर लेना चाहेगी तो दे देंगे। सेना में सभी सेवा करना चाहिए जी। बेटे ने क्या कहा था आखिरी वक्त आपसे फोन पर जब बात हुआ था परिवार वाले से? जब यहाँ से मतलब जो है आखिरी वक्त ये बात हुई थी कि मतलब जो है हम फरवरी में आएंगे और लड़के तुम चिन्हित कर लेना, हम फिर उनको देख लेंगे शादी के लिए, तो दोनों की शादी कर देंगे, दोनों बहनों की शादी। शहीद करण कुमार के दोस्त ने क्या कहा ये भी सुनिए। हमारा दोस्त हमसे एक साल पहले मिला था, क्योंकि एक साल से मैं भी बाहर था। लास्ट समय हम लोगों में काफी दूरियां हो गई। जब मैं छुट्टी आया तो वो नहीं रह पाया आपस में। आखिरी समय हम लोगों की यही बात हुआ करती थी कि घर में आप ठीक है सेवा, अभी भी हम लोग तैयारी कर रहे थे तो लगे रहो कहीं हो जाएगा। घर के बारे में, गांव के बारे में और लोगों को जो हमसे छोटे भाई लोग हैं तैयारी कर रहे हैं उनके बारे में ऐसा बात करता था कि उनको ले जाया करो यार, तैयारी करवाओ, आगे बढ़ेंगे। क्योंकि हमारे जो पहले से सैनिक भाई हैं वो हम लोगों को हमेशा मार्गदर्शन करते थे, साथ में जाते थे। ग्राउंड तो मेरे यहाँ है नहीं, रोड पे ले जाते थे सुबह मॉर्निंग में जगा के, हमेशा किस तरह से तैयारी करना है, क्या करना है, किसना प्रोसेस से गुजरना है, सारा हम लोग परफेक्ट थे इस मामले में। सेना के मामले में हम लोगों को लगभग जानकारी थी कि किस किस स्तर से गुजरना होता है। और मेरे गांव का जज्बा है आज भी लोगों में सबसे ज्यादा जो सेना के प्रति है, और ज्यादातर बंदे हैं जो सेना की तैयारी करते हैं। बता दें कि शहीद का पार्थिव शरीर आने से पहले पूरा गांव तिरंगामय किया गया था। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।